हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू हॉरर स्टोरी टाइम। एंड जैसा कि मैंने तुम सबके साथ प्रॉमिस करा था कि मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा कि रियल हॉरर किस्से तुम सबके साथ शेयर करता हूं, तो आज मैं तुम सबके लिए एक और किस्सा लेकर आया। एंड हाँ, इस चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं करा है वो यार जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो। 10K के हम बहुत क्लोज हैं, तो 10K यार करा दो जल्दी से। एंड अगर तुम सबके पास भी कोई भी ऐसा हॉरर किस्सा है जो तुम्हें लगता है कि सबके साथ शेयर करना चाहिए, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल ये रहा, यहाँ मुझे फॉलो करो और मैं वो रीड करने के बाद सबके साथ यहाँ शेयर करूंगा तुम्हारा हॉरर किस्सा भी। एंड विदाउट डैमेज करें हम आज का हॉरर किस्सा अपना शुरू करते हैं। तो आज का जो हॉरर किस्सा है मेरे साथ तपस्सुम ने शेयर करा। तपस्सुम चंडीगढ़ की रहने वाली है। तपस्सुम की फैमिली में तपस्सुम के मम्मी पापा, उसकी छोटी बहन और तपस्सुम रहते हैं। तो बिगिनिंग में इनकी जो कंडीशन थी, घर की हालत थी, वो सही नहीं थी। बट तपस्सुम और उसकी छोटी बहन की एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद, इनके जॉब लगने के बाद, उनकी जो हालत है वो अच्छी होगी। अब वो एक अच्छे तरीके से जीने लगे थे क्योंकि वो अच्छी अर्निंग करने लगे थे। तो अब फाइनली टाइम आ जाता है कि तपस्सुम की मैरिज हो रही है। अब वो तपस्सुम के लिए रिश्ता देखते हैं। वो देहरादून का एक लड़का होता है, मुस्लिम फैमिली से ही होता है, और उसके साथ उसकी शादी हो जाती है। पूरे अच्छे रीति रिवाज जो भी होता है उसके साथ वो उसकी मैरिज कर देते हैं। एंड अब फाइनली तपस्सुम जो है देहरादून में रहने लगी है, और देहरादून में जिस एरिया में वो रह रही है वो काफ़ी अच्छा एरिया है। वहाँ से पैसिफिक मॉल है, एक पैसिफिक मॉल की दूरी, दो रास्तों से पैसिफिक मॉल जाया जा सकता है। एक रास्ता था जो बाय रोड जाते थे उनके घर से पैसिफिक मॉल देहरादून में, उससे जाने में लगता था कम से कम आधा घंटा 20-25 मिनट लग जाते थे। और एक रास्ता था जो शॉर्टकट होके जाता था, जो मसूरी को भी निकलता था, वो वाला एरिया जंगल है उसमें, बीच में थोड़ा शांत एरिया है, सन्नाटे वाला एरिया, एक वो जाता था। वहां से बाय रोड अगर पैदल जाती है तपस्सुम पैसिफिक मॉल, तो इसको हार्डली 12 से 15 मिनट लगेंगे। तो ये जब देहरादून में रहने लगी अपने पति के साथ, अपने पति की फैमिली के साथ, तो इसने जॉब ज्वाइन करी पैसिफिक मॉल में। अब 1 महीना 2 महीना ये जॉब गई, ये उसी रास्ते जाती थी जो शॉर्टकट था, जो मसूरी वाला शॉर्टकट था जो पैसिफिक मॉल को मिलता था, उसी रास्ते जाती थी। वो थोड़ा सुनसान था, थोड़ा जंगल वाला रास्ता था। बट इसके पास, अभी तपस्सुम के पास कोई कन्वीनियंस नहीं था, तो ये प्रेफर करती थी उसी रास्ते से जाना। तो अब उस रास्ते के बारे में काफ़ी ऐसी अफवाहें भी थी कि यार वहाँ पर ना काफ़ी लोग ब्लैक मैजिक वगैरह करते हैं चीज़ों के ऊपर, अपनी बलाएं निकाल कर। काफ़ी लोग वहाँ पर कहते थे कि जंगली जानवर वगैरह भी होते हैं, तो उनका डर भी है और भूत प्रेतों का भी डर है। तो काफ़ी बातें थी उस वाले जंगल वाले एरिया की साइड की। तो तपस्सुम फिर भी उसी साइड से जाती थी क्योंकि लोग भी आया जाया करते थे, बट उसके पास कन्वीनियंस ना होने की वजह से उसको जाना ही पड़ता था। अब 1, 2, 3, 4, 5 महीने निकल गए, अब तपस्सुम प्रेग्नेंट थी, अब तपस्सुम प्रेग्नेंट हो चुकी थी और अभी भी वो जॉब जाती थी, और 2-3 महीने हो चुके थे उसको जॉब जाते हुए भी प्रेगनेंसी के बाद। अब एक दिन उनके ऑफिस में किसी कलीग की पार्टी थी, तो ये लोग सज संवर कर गए पूरा, अब पार्टी वगैरह एंजॉय करी, और घर आते वक्त थोड़ा लेट हो गया, अब थोड़ा अंधेरा हो गया। तो उस दिन जब तपस्सुम घर आ रही थी अपने उसी रास्ते, तो उसको ऐसा फील हुआ कि उसको कोई चेज कर रहा है, उसके पीछे कोई चल रहा है। और जब इसने पीछे मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं था। एंड ये चलती रही, ये इतना डरती भी नहीं थी, ये चलते चलते अपने घर पहुंच गई। बट इसको ऐसा फील हुआ कि जब तक मैं घर नहीं पहुंची थी ना, तब तक मुझे कोई फॉलो कर रहा था। और जब घर पे पहुंची तो चलो चिल होगी, रिलैक्स कि अब मैं घर पर पहुंच गई हूँ, खाना वगैरह खाया, थोड़ा वीक सा फील कर रही थी, जाकर अपने रूम में सोगी। अब जब अपने रूम में जाकर सोगी ना, तो मतलब इसने कुछ भी रात को एक्टिविटी नहीं करी, बस थकान फील कर रही थी। और जब नेक्स्ट मॉर्निंग उठी तो ये सबको बता रही है तपस्सुम कि मुझे ना रात को एक सपना आया। अब वो सपना था या नहीं था, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं उठी हुई हूँ, मैं जगी हुई हूँ और वो रियल चीज़ हो रही है, और बट एक्चुअल में ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो मुझे लग रहा शायद सपना हो। वो ऐसे कन्फ्यूज थी, सबको बता रही है। मुझे ऐसा फील हुआ कि एक सामने पर्सन खड़ा है, बहुत हट्टा कट्टा है, मतलब बॉडी है उस बंदे की, पूरा लंबा चौड़ा बंदा है। वो मुझे ना कुछ बोल रहा है एक डिफरेंट लैंग्वेज में, जो मैंने आज से पहले कभी सुनी नहीं है। और मैं उसे बोल रही हूँ कि क्या बोल रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा, कि मैं सपना देख रही हूँ, तो मैं उसको सपने में बोल रही हूँ कि तू क्या बोल रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। और वो बहुत गुस्से में आने लग गया, और वो उसी डिफरेंट लैंग्वेज में बात करे जा रहा है,
और इसको समझ नहीं आ रहा, ये बार बार बोल रही है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा। इतने में ना वो ऐसे इसकी तरफ दौड़ता हुआ आया मारने के लिए, और ना तपस्व मुड़ी और भागने लगी, तो उसने ऐसे हाथ घुमाया, जो भी पर्सन था जो भी था उसने ऐसे घुमाया, और तपस्व की पीठ पे ना ऐसे थप्पड़ लगा, तपस्व गिर गई और उसकी नींद खुल गई। तो उसने कहा कि ये बड़ा वियर्ड सा सपना आया मुझे। अब घर वालों ने कहा कि सपना तो सपना होता है, तो कुछ भी आ सकता है, छोड़ो चलो, वो अपना तैयार वगैरह होने चलेगी। और जब तैयार हो रही थी, नहा धो रही थी, तो ना नहाते हुए साबुन वगैरह लगाया होगा, जब पीठ पे लगा ना, तो हल्का हल्का ना उसको चमराट मचा, मतलब जलन भी हल्की हल्की जब साबुन लगा। तो उसने देखने की कोशिश करी, पर पीठ पे दिखा नहीं कुछ भी। तो वो बाहर आई नहाने के बाद, उसने बताया अपने मॉम थे जो सासू माँ, उनको बताया कि यार मेरी पीठ पे मुझे जलन हो रही थी, एक बार देखना कुछ हुआ। उन्होंने देखा कि ना दो तीन उंगलियां ऐसे छपी हुई थी, और थोड़ा ऐसे लाल लाल हो जाता है ना, चमड़ी निकलने वाला लाल लाल, तो वैसा कुछ था। तो उन्होंने कहा कि ऐसा और क्या है तेरी पीठ पर। तो वो हैरान थी कि ऐसे कैसे हुआ। बट और उसके सासू माँ उसको डांटने लगे कि भाई बिल्कुल ऐसे मजाक में तुम सब एक दूसरे को मारते रहते हो, छेड़खानी करते रहते हो, तो मत करो, देखो निशान पड़ गए, किसी का हाथ लगा, कुछ हुआ। पर तपस्सुम हैरान थी कि ऐसा तो यार कुछ भी नहीं हुआ, ये मतलब इतनी गहरी चोट कैसे लगी। ठीक है, वो अपना तैयार वगैरह भी उस सिचुएशन को जाने दिया, और वो अपने ऑफिस चले गई। ऑफिस में भी थोड़ा वीक फील कर रही है। अब वो शाम को जब ऑफिस से घर आई, घर में आने के बाद अपने पति के साथ खाना पीना खाया और सो गई। तो उसका पति रात को ऑब्जर्व करता है, उसकी नींद खुलती है, कि उसकी जो वाइफ है, जो साथ में सोई हुई तपस्व, वो एक डिफरेंट लैंग्वेज में कुछ बड़बड़ा रही है, और बिल्कुल ही डिफरेंट लैंग्वेज में। अब उसने ना उसको हाथ हिलाया, तपस्व हिल गई और उठ गई। तपस्व ने कहा क्या हुआ? उसने कहा तू सपना देख रही थी, कुछ अजीब सी लैंग्वेज में बोल रही थी, तो तेरे को हिला दिया, मुझे लगा कुछ बुरा सपना देख रही है। और तबस्सुम फिर सो गई, और उसका हस्बैंड भी सो गया। तो अब तबस्सुम ना चुप, अब तबस्सुम फिर से रात को बड़बड़ाने लगी, फिर से डिफरेंट लैंग्वेज में बड़बड़ा रही है। उसका पति उठा, उसको उठाया, बोला क्या कर रही है तू, किस लैंग्वेज में बात कर रही है। और वो रात भी जैसे तैसे निकल गई, वो सोए फिर से, सब कुछ ठीक हो गया। अब तबस्सुम की ना तबीयत थोड़ी और ज्यादा खराब होने लगी, वो और वीक फील करने लगी। अब जब उसके पति ने उसके घर में ये बात शेयर करी कि ये एक अजीब सी लैंग्वेज में बात कर रही है, मैंने वो लैंग्वेज आज तक नहीं सुनी है, और ये पहले दिन बता रही थी कि इसने सपना देखा अजीब सी लैंग्वेज में, रात को बड़बड़ा रही थी, पीठ पे निशान। तो उसके घर वालों ने डिसाइड करा, एक काम करते हैं, दरगाह है पास में एक, वहां चलते हैं, वहां बाबा बाबा को दिखा देते हैं, देखते हैं कि कुछ लगा लुगा ना हो। अब ये दरगाह गए, दरगाह में जैसे ही गए, तो ना दरगाह में ना बाबा ने जैसे इसको चेक वगैरह करा, तो उसने बोला कि इसके ऊपर एक जिन लगा हुआ है। अब उसने इनको डिटेल में बताया कि जिन जो चीज है वो ना, मतलब जैसे इंसान होते हैं वैसे ही होते हैं, बट वो इंसानों को दिखते नहीं है, वो बच्चे पैदा कर सकते हैं, वो रहते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, वो असॉल्ट कर सकते हैं, वो मार सकते हैं, हैवी चीजें चख सकते हैं। उसने ना जो भी दरगाह पे था उसने अच्छे से उनको ये चीजें बताई, तो उसने कहा कि इसके पीछे एक जिन लग गया जिसकी वजह से सब हो रहा था। तो उसने कहा डरो मत, मैं झाड़ा झूड़ा लगाऊंगा, ये ठीक हो जाएगा। तो जैसे ही वो झाड़ा झूड़ा लगाने लगा, ये तपस्सुम दौड़ी और जो दरगाह होती है ना उसके ऊपर जाके बैठ गई। सारे डर गए कि कोई निकाल रहा है, कुछ झाड़ा लगा रहा है, और ये दौड़कर दरगाह के ऊपर बैठ गई। उन्होंने उसे निकाला, अपना करा जो भी वो प्रोसीजर करते हैं। उसके बाद तपस्सुम को कहा कि ठीक हो गया, अब ये फिट एंड फाइन है, तुम इसे ले जाओ, अब कुछ नहीं होगा। जो जिन था वो निकल गया। अब जब इसको घर लेकर गए, एक दिन ठीक रहा, सेकेंड डे क्या हुआ, ये अपने घर में लड़ रही है बगैर फालतू में, अपनी सास के साथ, अपने पति के साथ, अपनी जो ननद वगैरह जो भी वहां उनके साथ लड़ रही है, उनको अब्यूज कर रही है, और रात को हंसने की आवाजें आ रही है। ये सब फाइटिंग करने के बाद रात को हंसने की आवाज आ रही है, और अब सबसे वियर्ड पार्ट था, जब वो हंस रही थी तो वो अपनी आवाज में नहीं हंस रही थी, एक डिफरेंट मोटी सी मर्दाना आवाज में हंस रही थी। सब डर गए, वो दोबारा नेक्स्ट मॉर्निंग दरगाह वगैरह लेके गए, दरगाह वगैरह में उन्होंने झाड़ा वगैरह लगाया, और उसको बोला कि ये ठीक हो गया, अब ले जाओ, अब कुछ नहीं होगा। फिर घर लाए, एक दो दिन बीते, उसने वही हरकतें करनी शुरू कर दी, अपने पति को मार रही है। अब पर एक चेंज था कि अब तपस्व नेक्स्ट मॉर्निंग उठकर बोलती है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे कोई असॉल्ट कर रहा है, कोई है, कोई पर्सन है जो मुझे असॉल्ट कर रहा है, फिजिकली मुझे मार रहा है, धमका रहा है, और मुझे ये बोल रहा था कि अगर अब तुम किसी भी दरगाह वगैरह कहीं भी गए ना, किसी के पास भी ऐसा कि मुझे दूर करने की कोशिश करी, तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा, मैं तुम्हें टॉर्चर करूंगा, वो ऐसा मुझे कुछ बोल रहा है। तो अब फैमिली डर गई,
अब फैमिली ने क्या करा कि जिस दरगाह जा रहे थे वहां जाना बंद करा, क्योंकि कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। उन्होंने पूछा लोगों से और उनको पता लगा एक दरगाह और है, वहां जाते वहां शायद सॉल्यूशन मिल जाएगा। अभी वहां गए, वहां भी सेम एक्टिविटी हुई। जैसे उन्होंने करना शुरू करा, वो दौड़कर दरगाह के ऊपर बैठ गई, जो दरगाह थी उसके ऊपर बैठ गई। फिर उन्होंने हिलाया अपने झाड़ा झाड़ा झूड़ा करा, ठीक होगी उन्होंने कहा, उतर गया इसके अंदर का। और जैसे ही घर लेकर आए, उस रात जब तपस्वी नेक्स्ट मॉर्निंग उठी तो उसके गाल पर, गले पर, हाथ पर थप्पड़ के निशान, हाथों के निशान, जलने के निशान, मतलब ऐसे कि किसी ने बहुत पीटा है। और वो मतलब इतनी वीक हो गई थी बॉडी वाइज कि वो बस ऐसे बोल रही थी कि कोई है जो मुझे बहुत मारता है रात को, मुझे डराता है। अब उसको तपस्वी को इतना पता लग गया था कि कोई पर्सन रेगुलर बेसिस पे आ रहा है जो उसको तड़पा रहा है, मार रहा है, फिजिकली असॉल्ट कर रहा है। इसकी फैमिली वाले बहुत डर गए। फिर इन्होंने काफी जगह पता करा, 2-4-5 दिन कुछ भी नहीं करा, कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि वो ये चीज बोल रहा था, अगर मुझे इसकी बॉडी से दूर करने की कोशिश करोगे तपस्वी की, तो मैं इसको बहुत मारूंगा, इतना मारूंगा, इनफैक्ट मार भी सकता हूँ। अब कुछ टाइम बाद, 4-5 दिन बाद, उनको पता लगा किसी दूर जगह पर कोई बहुत माने जाने दरगाह होगी कि वहां जाते हैं और वहां सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब फाइनली जब ये वहां गए उसको लेकर 5-7 दिन बाद, और वहां उन्होंने जो भी उनका प्रोसीजर था वो पूरा करा, तो उन्होंने फाइनली बोला कि इसके ऊपर एक जिन लगा हुआ था और वो बहुत पुराना जिन था, बहुत ज्यादा पुराना जिन था। अब वो इनके पीछे लगा क्योंकि ये प्रेग्नेंट थे, क्योंकि जो जीन वगैरह ये सब होते हैं ये प्रेग्नेंट लेडी को मतलब उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये काफी परफ्यूम वगैरह सज धजे हुए थे तो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया था, तो इसलिए उनको लग गया था ये। तो उन्होंने कहा कि पूरे प्रोसीजर के साथ हमें सब कुछ झाड़ा वगैरह सब कुछ लगा दिया है, अब इसको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर तपस्सुम खुद बहुत वीक हो चुकी थी, मतलब कोई पीट रहा है, कोई टॉर्चर कर रहा है, कोई मार रहा है, तो वो शरीर से फिजिकली भी बीमार हो गई थी, पतली हो गई थी, मेंटली भी थकान, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स वगैरह काफी हो गया था। बट जब फाइनली उस दरगाह से वो निकले तो वो ठीक हो गए थे, और 4-5-7-8-10 दिन 20 दिन जब बीते तो वो रिकवर भी कर गए, कि बॉडी जैसे पहली थी, हट्टे कट्टे जैसे थे वो, वैसे तंदुरुस्त हो गए। बट उन्होंने ये हमें बताया कि उस रास्ते से जब वो गए थे ना, तो उस रास्ते पर कोई जिन उनको लगा था और उस जिन ने ये सब उसके साथ करा था, और वो प्रेग्नेंट थे और वो सज सवर कर गए थे, इसलिए उसने उस जिन ने इनको प्रोसेस करा और वो इनको फिजिकली असॉल्ट भी करता था, मतलब इनके साथ छेड़खानी वगैरह करना, इन्हें मारना, पीटना और एक डिफरेंट लैंग्वेज में बात करना, जो लैंग्वेज इनके घर में किसी को भी नहीं आती थी, किसी को भी नहीं आती थी, उस लैंग्वेज में बात करता था। तो वो उस जिन की लैंग्वेज थी जिस लैंग्वेज में वो प्रेफर करता होगा बात करना। तो फिर वो एट लास्ट ठीक हो गए, और ये उनका एक्सपीरियंस था, तपस्वी ने मेरे साथ शेयर करा। एंड तुम सबको मतलब क्या लगता है इस किस्से के बारे में, कि ऐसा क्या होता है जिन वगैरह के बारे में, तुम क्या सोचते हो, और इस इंसिडेंट के बारे में तुम क्या सोचते हो कि क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या वजह रही होगी? कॉमेंट सेक्शन में अपने अपने ओपिनियन जरूर शेयर करना। एंड अगर आप लोगों के पास भी कोई भी ऐसी स्टोरी है जो तुम्हें लगता है शेयर करनी चाहिए, इंस्टाग्राम हैंडल मेरा ये रहा, यहाँ फॉलो करो और मेरे साथ अपनी अपनी स्टोरी शेयर करो, मैं वो रीड करूंगा और तुम सबके साथ भी शेयर करूंगा। तो यार इस हॉरर किस्से के लिए बस इतना, एंड होप तुम सबको मजा आया होगा। मजा आया तो कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी टाइम, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।